अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद विकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि मिट्सुबिशी के अंदर जो टाइमर्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो मिट्सुबिशी के अंदर जो वर्किंग के लिहाज से इसकी टाइप्स हैं वो दो हैं, एक है ऑन डिले टाइमर और दूसरा है ऑफ डिले टाइमर। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, ये मैंने दो डिफरेंट तरह के टाइमर्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं। इसमें जो स्पेशल टाइमर है वो ऑफ डिले टाइमर है, क्योंकि ऑन डिले टाइमर जो है वो बिल्ट इन है। तो सबसे पहले इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑन और ऑफ में डिफरेंस क्या है। तो जिस तरह इसके नाम से पता चल रहा है, ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले का मतलब ये है कि जब इसे हम कमांड दे देते हैं तो इसका जो डिले टाइम है इसकी कमांड के बाद स्टार्ट होता है। यानी जिस तरह मैंने यहाँ पे M10 इसकी एक बिट लिखी जहाँ से मैंने इसे ऑन करवाया, और ये हमारा T10 है जिसका जो टाइम है K50 है। तो जब इसको कमांड दे देंगे तो जब तक इसका टाइम जो है वो पूरा नहीं होगा तब तक आउटपुट ऑन नहीं होगी। तो यानी ये डिले से ऑन होता है, अपनी कमांड जो है एग्जीक्यूशन की कमांड लेने के बाद जो इसको गिवन टाइम है उतना डिले करता है, उसके बाद ये आउटपुट जनरेट करता है। तो ये है ऑन डिले टाइमर। इसी तरह जो ऑफ डिले टाइमर है, इसका जो सिनेरियो है वो टोटल डिफरेंट है। ऑफ डिले टाइमर जो है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें इस तरह से है कि ये जो है कमांड लेने के बाद डिले से ऑफ होता है। यानी जब इसको हम कमांड दे देते हैं तो ये फौरन ऑन हो जाता है, लेकिन जो इसका ऑफ होने का टाइम है वो डिले के साथ है। यानी जिस तरह ऑन और ऑफ को अगर हम देखें कंपैरिजन के अंदर, तो ऑन जो है वो फौरन ऑन नहीं होता, वो डिले के बाद ऑन होता है, और ऑफ जो है वो फौरन ऑन हो जाता है, लेकिन ऑफ जो है वो डिले के साथ होता है। इसलिए इसका नाम है ऑफ डिले टाइमर, क्योंकि ये कमांड जब एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के बाद जब उसको हम दोबारा ऑफ कर देते हैं बिट को, जो हमारी इनपुट बिट है, तो उसके बाद इसका टाइम स्टार्ट होता है, और वो गिवन टाइम जो है वो पूरा करने के बाद ये अपने आउटपुट को जो है वो ऑफ करवा देता है। तो ऑन डिले टाइमर मिट्सुबिशी के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल है, और जो है ऑफ डिले टाइमर इसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो ऑन डिले टाइमर चला के दिखाता हूँ। प्रोग्राम लोड हो रहा है PLC के अंदर। तो देखें जी, ये मैं अगर ऑन डिले टाइमर को चलाऊं, तो ये मैंने जैसे ही इसे ऑन किया है तो इसका डिले टाइम स्टार्ट हो गया। K50 मैंने इसका डिले टाइम, यानी 5 सेकंड इसका डिले टाइम है। तो जैसे ही इसका डिले टाइम 5 सेकंड पूरा हुआ है तो इसने अपनी आउटपुट जो है वो उसको ऑन करवा दिया है। इसी तरह अगर मैं ऑफ डिले टाइमर को एक्सप्लेन करूँ, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने सेट की कमांड लगाई है, यानी सेट की कमांड को यूज़ करते हुए मैंने ऑफ डिले टाइमर बनाया है। सेट की कमांड लगाई है, जैसे मैं इसको सेट करूँगा तो Y0 जो है वो ऑन हो जाएगा, और साथ मैंने M0 यानी जो मेरी इनपुट बिट है उसका NC यूज़ कर लिया है। तो जैसे ही मेरा जो टाइम है, जो मैंने टाइम दिया होगा वो पूरा होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो T0 है वो ऑन हो जाएगा, और उसका ओपन कॉन्टैक्ट से मैंने इसको रीसेट करवा दिया। तो इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट है नोट करने वाला, वो ये है कि जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो फौरन जो हमारी बिट है Y0 वो हाई हो जाएगी, वो ऑन हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो देखें हमारी जो बिट है Y0 वो ऑन हो चुकी है। अगर इसको मैं अब ऑफ भी कर दूँ, तो जब मैं ऑफ करूँगा तो देखें ये इसका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। अगेन देखें, मैंने इसको ऑन किया तो जब तक ऑन है हमारी जो इसकी बिट जिसको हमने सेट करवाया हुआ है Y0, ये आउटपुट, सॉरी, इसकी जो आउटपुट है जिसको हमने सेट करवाया हुआ है वो ऑन हो चुकी है। और जैसे ही मैं इसे स्टॉप की कमांड दूंगा तो हमारा जो ऑफ डिले का टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जितना हमने टाइम दिया हुआ है, 5 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, तो वो टाइम जब पूरा हो जाएगा तो ये बिट जो है ये रीसेट हो जाएगी, आउटपुट जो है वो रीसेट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको फोर्स ऑफ करूंगा तो ये देखें, ये हमारा जो टाइम है ये स्टार्ट हो गया है,
और 50 सेकंड के बाद इसको ये देखें आउटपुट जो है वो ऑफ हो चुकी है। तो इस तरह से हम मिट्सुबिशी के अंदर जो है वो ऑफ डिले का जो टाइमर है वो खुद से डिज़ाइन करते हैं। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑन डिले और ऑफ डिले जो टाइमर है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो पेज पर मौजूद है। व्यूवर, इसके अलावा हमारे पास तमाम PLCs के ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें फैटक, मिट्सुबिशी, सीमंस और डेल्टा वगैरह हैं। इसके अलावा सोलर का VFT जो है, INBT, इसकी भी कंप्लीट ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके अलावा तमाम डिफरेंट टाइप्स के VFD जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उनकी पैरामीटर प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।